हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल खाना खजाना। आज मैं बनाऊंगी चिकन चंगेज़ी की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। चिकन चंगेज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 kg चिकन लिया है और इसे मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। तो चलिए चिकन को हम मैरिनेट करेंगे और मैं इसमें 2 teaspoon अमूल क्रीम ऐड करूँगी। इससे बहुत ही क्रीमी होगा। तो देखिए मैंने 2 teaspoon क्रीम ऐड कर दी है और अब मैं इसमें 1/2 teaspoon चाट मसाला पाउडर ऐड करूँगी और यहाँ 1 teaspoon में रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी और मैं यहाँ पे इसमें 1 teaspoon लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर ऐड करूँगी, बहुत ही कम ऑरेंज फूड कलर ऐड करना है, ये बिल्कुल कलर के लिए ऑप्शनल है, ये इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और यहाँ पे इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो मसाला है वो अच्छे से ऐड हो जाए चिकन के पीसेस में। तो देखिए अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। इसी तरीके से इसे मैरिनेट करना था। अब 10 मिनट के लिए मैं इसे रख दूंगी। 10 मिनट के लिए मैं इसे ढक के रख दूंगी एक तरफ। इतने हम ग्रेवी तैयार करते हैं। तो देखिए मैंने 4 से 5 लौंग और 3 से 4 काली इलायची इसमें ऐड कर दी हैं। एक दालचीनी का टुकड़ा भी ऐड कर दिया है मैंने गर्म मसालों में, साबुत गरम मसालों में। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैं यहाँ पे मैंने 2 टमाटर का पेस्ट बना लिया है और मैं यहाँ पे 1 teaspoon नमक ऐड करूँगी और इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। तो इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे से नमक को इसमें। और अब मैं इसमें यहाँ पे 1 teaspoon लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी ग्रेवी में। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैं यहाँ पे जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो ऐड करूँगी इसमें। तो चिकन के पीसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे ढक के पकाऊँगी। अब हम इसे ढक के पकाएंगे और बीच में एक बार चेक करना है हमें कि अच्छे से गला है या नहीं गला है। अब हम चेक करेंगे तो ये अच्छे से अब गल चुका है और गैस की फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी और इसे अब मैं सर्व करूंगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।